तृतीय थर पर मोदी अच्छा रुष गस्त रुष गस्त अनेक गुड़े कारण गुरुत्व बहन कै भारत रुष आने नाटो बर्तमान टेनसन कारण सामान दिन में आजिका दिन में जोबले रुष्रे मोदी अच्छा ठीक से नाटोर बैठक चलती पूरा घटना कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुईदिनिया रुष गस्तर जाइंट मोदी पीएम मोदी भारत रुष्र 22वां वार्षिक शिखर बैठक में सामिल हे ये होते मोदी जी ओल्ल फ्लैट्रु मस्को मोदी पहुंचे दुई देश मध्य 2000 प्रथम वार्षिक शिखर बैठक आरंभ होता सेबेठार प्रत वर्ष आयोजित यूक्रेन उपर रुष्र आक्रमण पर प्रथम थर पर रुष गस्तर जाइंट पीएम मोदी पूर्व 2019 रुष जाते पीएम शेष थर पर रुष राष्ट्रपति पुटिन को समरकंद एससीओ शिखर बैठक अवसर में भेटी मोदी उज्बेकिस्तान राजधानी समरकंद में होता साक्षात्कार सेप्टेम्बर 20, 2023 नुआ दिल्ली में आयोजित G20 शिखर बैठक में सामिल होते पुटिन मोदी रुष गस्त एमती समय होते आमेरिका आरंभ हो नाटो शिखर बैठक भारत विदेश मंत्रालय पक्षर स्पष्ट भाव कहुई जो मोदी मस्को गस्त सहित नाटो शिखर सम्मेलन कौन संपर्क ना कौन लिंक ना यूक्रेन पर रुष बड़ हमला करने पर रुष लगातार यूरोप एकघरिकिया रुष्र एक कठिन समय भारत और चीन साथ हाथ बढ़ाई किंतु रुष मामलें नुआ दिल्लीर स्टैंड न्यूट्रल रही आसी न्यूट्रल मत रखा चाहिए यह सत्वे पश्चिम देशगुड़िक पीएम मोदी मस्को गस्त उपर नजर रखिंट रातिर पुटिन सहित पीएम मोदी प्राइवेट डिनर कार्यक्रम रही मंगलवार पीएम मोदी रुष्रे प्रवासी भारतीय संबोधन करेंगे टम्ब अफ अनकोन सोल्जर परिदर्शन जीवे एठाक आसी दिवंगत सैन्य श्रद्धाजलि द्वितीय विश्वयुद्ध समय जो रुष्र सैन्य निजर जीवन को उत्सर्गीकृत करते बलिदान देते से स्मृति निर्माण देशर सुरक्षा जो जवान सीमार मुतयन होती से प्रति आम मन में सम्मान रहा उचित बोले मन करती पीएम मोदी यह भावना मस्को देखा मिले पीएम मोदी टम्ब अफ अनकोन सोल्जर आसवे एथस एटम एक्जिबिशन सेंटर प्रदर्शन जीवे पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुटिन मोदी सहित एक्जिबिशन सेंटर प्रदर्शन जीवे रुष गस्त पर मोदी अस्ट्रिया गस्त भारत रुष मध्य शक्ति सुरक्षा कारबार नवेश स्वास्थ्य शिक्षा संस्कृति पर्यटन और लोकों मध्य भावर आदान प्रदान आदि क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी मोदी कहते हैं 8 और 9 जुलाई दुई दिन रुष गस्त रही है मोदी तृतीय पाड़े मोदी प्रथम द्विपाक्षिक विदेश गस्त मोदी रुष गस्त टाइमिंग को नहीं बेस चर्चा रुष चीन परस्पर निकटतर होबार लगी रुष विरोधी नाटोर आमेरिकार शिखर बैठक होगा जाऊँगी 8 दशंधि धरी मजबूत द्विपाक्षिक संपर्क गत 10 वर्ष मध्य मोदी और पुटिन परस्पर को 17 थर भेटी ये हूँ डाटा बेस 5 वर्ष पर रुष गस्त अच्छे प्रधानमंत्री मोदी किंतु एटी गुरुत्वपूर्ण कथा जेहेतु यूएस आमेरिका नाटोर बैठक आरंभ हो समय मोदी अच्छा मस्को कौटी ना कौटी लिंक आने चेष्टा करूँ वैदेशिक मंत्रालय तरफ स्पष्ट भाव कहुई जे एमती किसी कारण ही नहीं संजोग मात्र एमती कौन घटना ही ना प्रधानमंत्री पीएम मोदी मस्को में पहुंचा पर भव्य स्वागत करा रुष्र प्रथम डेप्युटी पीएम डानिश मंट्रो मोदी को स्वागत करने गार्ड ऑफ ऑनर दे जाइला ये दृश्य देखुन जो प्रधानमंत्री मोदी पहुंची मस्को में ये विमानबंदर दृश्य आप देखुं विमान जिते ओल्ल प्रधानमंत्री मोदी और तापर ये दृश्य आप देखुं अवश्य रुष्र सेना भारतीय जातीय संगीतर धुन बजाई मोदी स्वागत रुष्र कलाकार हिंदी गीत नृत्य परेशन करते डांस करते मोदी कार्लटन होटेल पहुंची सेठे उपस्थित भारतीय समुदाय मोदी को ग्रांड वेलकम करते ये आप देखुं जो मोदी को रेड कारपेट स्वागत करा जो बैंड अच्छी भारतीय जातीय संगीत आम जातीय संगीत को सेने बजाई एटी जो डेलीगेट्स मैंने अच्छा रुष्र जो डेलीगेट्स मैंने भारत जो डेलीगेट्स मैंने समस्त पछोटे रोचे भव्य स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ दिए स्वागत करोटेल पहुंची थे मोदी सेठे उपस्थित भारतीय समुदाय मोदी को ग्रांड वेलकम करते तिरंगा सहित मोदी को स्वागत करा जो मैंने देखते देखिपुर आप भारतीय मूल जो मैंने भारतीय मैंने तिरंगा सहित प्रवासी भारतीय मैंने मोदी सहित कथाई से अभिवादन स्वीकार करते मोदी रुष यूक्रेन युद्ध भितर रुष्रे पहुंचले पीएम मोदी एवं कौन आलोचना हो पारे टे नजर पकेबा भारत और रुष शेष शिखर बैठक होता 2021 नुआ दिल्ली में होता बैठक और सेठी उभय नेता परस्पर को भेटी भारत गस्तर आसी रुष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन से आसी पुटिन आसते 2020 कोविड कारण वार्षिक बैठक हो पार ना कोविड से आई यूक्रेन युद्ध आरंभ पर जाए मोदी रुष गस्तर जा न पीएम मोदी शेष थर 2019 रुष गस्तर जाते कोविड कटका अनेक किसी घटना घटला 5 वर्ष पर दुई दिन रुष गस्तर अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ ଭାରତର ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 2023 ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ G20 ସମିଟ୍ରେ ପୁଟିନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆୟୋଜିତ ଏସ୍ସିଓ ସମିଟ୍ରେ ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ତେବେ 22ତମ ଇଣ୍ଡୋ ରଷିଆ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ। ମସ୍କୋରେ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟବଧାନରେ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ମୋଦି ପୁଟିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ। 22ତମ ଇଣ୍ଡୋ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଦୁଇ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରେ ନାଟୋର ନଜର। ହିନ୍ଦୁ ରୁଷ ଭାଇ ଭାଇ 77 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ତିକ୍ତତା କମ୍ ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱ। ଏହି ଅବସରରେ 22ତମ ଇଣ୍ଡୋ ରଷିଆ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ। ତେବେ ଇଣ୍ଡୋ ରଷିଆ 22ତମ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା, ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗୋଟେପଟେ ମସ୍କୋରେ ମୋଦି ପୁଟିନ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ନାଟୋ ବୈଠକ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होती है। ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ରୁଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସମାନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ 45.4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି। ଏହାସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 54 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଭାରତଠାରୁ ମାତ୍ର 3.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ପଛରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେବେଳେ ଭାରତକୁ ରୁଷ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବାକୁ 2019ରେ ରାଜିନାମା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମାତ୍ର 3ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି। ଏହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନେଇ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତ ଇରାନ୍ର ଚବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେବା ପରେ ରୁଷ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ସହ ରୁଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭାରତୀୟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ରୁଷର ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ ଡାଏସ୍ପାରମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ରୁଷରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। रशिया को आज बेहद ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्ड वर्क फोर्स की, और खुशी की बात यह है कि भारत में उसका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मिलियन से हमारे पास जो हाईली स्किल्ड है, ये वो वर्क फोर्स है इंडिया की जिन्होंने पूरा गल्फ खड़ा कर दिया है, जिन्होंने अफ्रीका को बनने में मदद करी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत मतलब आदरपूर्वक विनती रहेगी मोदी जी से कि वो इसमें कुछ करें। सब में उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कोई ये अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग, इवन द मेनू दैट इज़ मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन।
मस्कोरे प्रधानमंत्री मोदी पहुंची सारी बेले तृतीय पाली सरकार ने मोदी कर द्वितीय विदेश गस्त 2019 समरकंदर एससीओ बैठक में पांच वर्षर व्यवधान पर उभय पुटिन और मोदी एकाठी आलोचना करने को जाते दुई दिन रुष गस्त मोदी ऑस्ट्रिया गस्त करेंगे। ऑस्ट्रिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वांडरबिल्ट के साथ साक्षात द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। 41 वर्ष पर कौन से भारतीय पीएम को ऑस्ट्रिया गस्त सामना को आसुच्छ 41 वर्ष पर ऑस्ट्रिया जाउछन्ती कौन से भारतीय प्रधानमंत्री या पूर्व किए जाते प्रथम 41 पूर्व किए जाए तथ्य अच्छे किसी तथ्य गुड़क नजर पकेबा और से तथ्य देखिले जुलाई 9 रे ऑस्ट्रिया गस्तर जिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 41 वर्ष पर कौन से भारतीय पीएम को ये होउछि ऑस्ट्रिया गस्त शेष थर पर 1983 ऑस्ट्रिया गस्तर जाते इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रिया मध्य 75तम कूटनैतिक संपर्क पालन अवसर में मोदी की गस्त ऑस्ट्रिया रे प्रवासी भारतीयों को भेटे मोदी प्रथम भारत प्रधानमंत्री भाव नेहरू ऑस्ट्रिया गस्तर जाते कूटनैतिक संपर्क स्थापन पर 1955 में ऑस्ट्रिया जाते ऑस्ट्रिया चांसलर का आमंत्रण क्रमे मोदी की गस्त तबे पीएम मोदी ऑस्ट्रिया गस्तर हूँ प्रथम गस्त पीएम मोदी ऑस्ट्रिया राष्ट्रपति को भेटबार कार्यक्रम रही एवं अवसर में अनेक गुड़िए आलोचना हो पाए तुम्हारे वाणिज्य परिसर व्यापक उच्चस्तर प्रतिनिधिमंडल सहित आलोचना एथर फोकस रोली कहुच्य मुख्य मुद्दा रही तेणु केमी ताइपर एथर फोकस रही तेणु आशा कर गस्त सक्सेस हम ए गस्त पर ऑस्ट्रिया भारत सहित आउ एक वाणिज्यिक संपर्क मजबूत होगा।